नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और हमें किस तरीके का रणनीति बना के काम करना चाहिए। तो सबसे पहले आज का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने सुबह निफ्टी में बाय का सिग्नल दिया हुआ था, तो उसके पीछे का मैं एक्चुअल रीजन आपको बताऊंगा कि कौन से लॉजिक के ऊपर मैंने वो बताया हुआ था कि बाय करना चाहिए। तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 9:30 पर यहाँ पे मैंने सिग्नल दिया हुआ था बाय का। तो मैं आपको 9:30 का ऑप्शन चेन दिखा रहा हूँ, ये ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके बताऊंगा। तो आप अगर ये स्टेप बाय स्टेप सीखते हो तो आने वाले समय में आप खुद एनालिसिस करना जान जाओगे। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको सिखाया, ये जो कॉल का साइड है, कॉल की साइड के ऊपर हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं, ये पुट के साइड के ऊपर हम लोग सपोर्ट देखते हैं। यहाँ पे हम लोग चार कंपार्टमेंट में बात करते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। तो इनिशियल स्टेज में हमें बेसिक बातें जब हम लोग सीख रहे हैं तो पहले कंपार्टमेंट के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे आपको लॉजिक देखना पड़ेगा। लोग जनरली गलती क्या करते हैं, लोग अपने हिसाब से मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हो कि हमें कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, तो बेसिक प्रॉब्लम जो है वो आपके थिंकिंग में है। आपको आपका थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा। आपको कहाँ पे पैसा लगाना है ये मत सोचो, मार्केट में कहाँ पे पैसा लग रहा है ये आप देखो, मार्केट में से कहाँ से पैसा निकल रहा है ये आप देखो, और इसका जवाब जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन के एनालिसिस से मिल जाएगा। ऑप्शन चेन का आप जब एनालिसिस करते हो तो आपको पता चलता है कि कहाँ पे मार्केट में पैसा लग रहा है और कहाँ से पैसा निकल रहा है। तो ये जो रेजिस्टेंस को हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पे आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि ये जो पीले कलर में आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रहे हैं उनको बोलते हैं इन द मनी कॉल ऑप्शन। ये जो है कॉल साइड की तरफ, ये हो गए इन द मनी कॉल ऑप्शन। तो इन द मनी कॉल ऑप्शन में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि यहाँ से लोग निकल रहे हैं। ये सुबह 9:34 का ऑप्शन चेन मैंने आपके सामने लगाया हुआ है, 9:30 पर मैंने सिग्नल दिया था। तो यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि यहाँ से लोग एग्जिट हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये लेवल के ऊपर जो लोगों ने कॉल को राइड किया था, जिनका एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट नीचे जा सकता है, उनको एहसास हो चुका है कि मार्केट अभी नीचे नहीं जाने वाला है। तो वो जो उनको एहसास हो चुका है इसकी वजह से वो निकल रहे हैं। तो एक बात आप याद रखिए, जब भी आप ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं, ऑप्शन के जो बायर रहते हैं उनके आगे इस ऑप्शन को जो सेल करते हैं उनको राइटर बोलते हैं, और ये सेलर्स मतलब राइटर जो होते हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेडर्स रहते हैं। तो वो कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, कहाँ से पैसा निकल रहे हैं, ऑप्शन चेन में जब आप ये ट्रिक आपको समझ में आ जाएगी तब आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हमें कौन से साइड का पोजीशन लेना है। तो सुबह मुझे क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि ऑप्शन राइटर जो है वो ऑप्शन राइटर यहाँ से मार्केट में से निकल रहे हैं। तो इनको ये आइडिया था कि मार्केट अभी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, इसकी वजह से वो लोग यहाँ से निकल रहे थे। तो इस तरीके का जब आप एनालिसिस करोगे, आपके दिमाग से न सोच के मार्केट के हिसाब से सोचोगे, तब जाके आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि आने वाले भविष्य में मार्केट कहाँ पे जा सकता है, और उसी डायरेक्शन का आपको पोजीशन लेके काम करना पड़ेगा। अभी कल के दिन मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है ये आपको जानना है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको लेकर आया हुआ हूँ निफ्टी के 15 मिनट चार्ट के ऊपर। निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। मैंने जैसा कि आपको बताया, मैं प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन का एनालिसिस करता हूँ, और दोनों जगह पे जब मुझे कंफर्मेशन मिलता है तभी मैं ट्रेड लेता हूँ या रिकमेंड करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन चेन के बाद हम लोग जब प्राइस एक्शन को स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि 15 मिनट चार्ट के ऊपर मार्केट जो है, निफ्टी जो है वो रेंज बाउंड मोमेंटम बता रहा है। तो जब तक मार्केट अभी ये रेंज बाउंड मोमेंटम में बना रहेगा, तो ये रेंज बाउंड मोमेंटम में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल के ही ट्रेड लेने हैं। ब्रेकआउट के ट्रेड आपको कब लेंगे, जब ये अपसाइड का जो लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया हुआ है 11,900 का लेवल, तो इसको जब मार्केट ब्रेक करेगा तो मार्केट अप जाने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे जो मैं ऑप्शन चेन का एनालिसिस अभी देखा हूँ,
वहां पे ऑप्शन चेन का डाटा ये बता रहा है कि अगर 11,900 के लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग रैली आने की पॉसिबिलिटी है और उससे बढ़िया मोमेंटम अपसाइड की तरफ हो सकता है। अभी एग्जैक्टली ये ब्रेकआउट के टाइम मुझे देखना पड़ेगा कि कितने राइटर्स यहाँ पे कॉल राइटर्स जो है वो यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। तो ये मैं आपको कहाँ पे बताऊंगा, तो ये जो अपना टेलीग्राम का फ्री चैनल है, ये फ्री चैनल का लिंक मैंने यहाँ पे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ये लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कीजिए। कल सुबह जब इसका ब्रेकआउट होगा तो मैं चेक करूंगा कि कितने ऑप्शन राइटर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं और यहाँ पे मैं वे अपडेट कर दूंगा। ये हो गया अभी निफ्टी के लिए। निफ्टी के बाद अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके का हलचल बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी का मैं आपके सामने डेली का चार्ट लगाना चाहता हूँ। डेली के चार्ट में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्लियर कट अपसाइडेड मोमेंटम हो चुका था और अपसाइडेड मोमेंटम के बाद एक रेंज बाउंड का जोन यहाँ पे डेवलप हो चुका था। ट्रेंडी फेज के बाद ये जो रेंज बाउंड का फेज आया हुआ है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया फेज बन चुका है और यहाँ पे इसका एक ब्रेकआउट मिल रहा है, ऐसी एक संभावना बन रही है। अभी मार्केट क्लोज नहीं हुआ है तो ये जो पैटर्न बना हुआ है इसको कौन सा पैटर्न बोलते हैं ये आपको सीखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन में मैंने आपको बताया हुआ है आपको कौन से पॉइंट देखने पड़ते हैं। पहले देखना पड़ता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद आपको देखना पड़ता है कि ट्रेंड लाइन का कुछ हमें सोर्स मिल रहा है क्या, और तीसरा देखना पड़ता है चार्ट पैटर्न कोई बन रहा है क्या। तो यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न बन रहा है उसको बोलते हैं फ्लैग विद द पोल चार्ट पैटर्न। तो यहाँ पे ये जो पोल बना हुआ है, ये पोल के बाद जो रेंज बाउंड फेज बन चुकी है, ये रेंज बाउंड फेज को फ्लैग बोलते हैं और ये फ्लैग का ब्रेकआउट हो रहा है ऐसा प्राइमरी लेवल पर हमें दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ये लेवल के करीब क्लोज होता है तो अपसाइड जाने के मोमेंटम इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि 24,000 के लेवल के ऊपर ऑप्शन चेन के एनालिसिस के हिसाब से जो लोगों ने यहाँ पे पोजीशन लिए रहेंगे वो फंस जाएंगे और वो शॉर्ट कवरिंग के लिए आ जाएंगे। तो ये सब बातें मैं आपको फ्री वाले कोर्स में सिखाने वाला हूँ। अगर आपको फ्री वाला कोर्स ज्वाइन करना है तो वीडियो के नीचे मैंने दो ब्रोकर के लिंक दिए हुए हैं, वहां पे अकाउंट खोल के अगर आप एक्टिवली ट्रेड करते हो तो आप फ्री वाले कोर्स के लिए इलिजिबल हो जाओगे। तो ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम कल के दिन बरकरार रहेगा कि नहीं रहेगा ये आपको कैसे पता चलेगा। ये जो आज का क्लोजिंग है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होना चाहिए जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखी हुई है, और उस हिसाब से आपको कल के लिए ट्रेड लेना है। उसी तरीके से यूट्यूब के ऊपर अपना एक एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशनल चैनल का नाम है नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये एजुकेशनल चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।